जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का एमबीए शिक्षाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर। आप तो का बार बार कमेंट रहता कि सर फाइनल मेरिट कब आएगी। होली तो हो गई, अप्रैल का फर्स्ट वीक लग गया, लेकिन फाइनल मेरिट नहीं आए। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी नोटिस के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, नोटिस है 18 मार्च 2024 की और ये फाइनल मेरिट की है साथियों। नोटिस किसके लिए, किस पोस्ट के लिए है, तो आपको पता है कि बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट 7 जनवरी 2024 को बहुत सारे साथियों पोस्ट के लिए जो हैं एनएससी ने साथियों पेपर कराया था। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे तो अलग बात है, आपकी अलग जो भी है पोस्टेड हैं उनकी अलग अलग मेरिट आएगी साथियों। तो जैसे जो ये मेरिट लिस्ट है, ये साथियों शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो मेरिट है 18 मार्च को आ गई है। 7 जनवरी 2024 द पोस्ट ऑफ ट्रेनी स्टेनोग्राफर, ये जो मेरिट लिस्ट है किसकी साथियों, ट्रेनी स्टेनोग्राफर का है। फॉलोइंग कैंडिडेट आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द प्रस्क्राइब स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश। फर्दर दिस मे बी नॉट बी क्लेम एज द मैटर फॉर राइट फॉर अपॉइंटमेंट इन द कॉर्पोरेशन एज इट इज एग्जामिनेशन स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट। मेरे प्यारे साथियों, कहने का मतलब है कि ये मेरिट लिस्ट कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि ये शॉर्ट लिस्ट जो भी, अब मेरिट तो ही कुछ पर आधार बनाया होगा, आप मेरिट लिस्ट इसको कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते, कह इसलिए कह सकते हैं कि जितने साथी का रोल नंबर इसमें आया है, जिनका नाम आया है, वो शॉर्टलिस्टेड किए होंगे, किस शॉर्टलिस्टेड किए गए होंगे, किस बेस पर किए होंगे, एक फाइनल कटआउट बनाया होगा, एक फाइनल मेरिट बनाया गया होगा, तभी तो इनको शॉर्टलिस्टेड किया गया होगा। अन्यथा नहीं किया, क्योंकि नहीं कह सकते फाइनल मेरिट, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कभी इनका साथियों कंप्यूटर जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, यानी शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें फाइनल होने के बाद इनकी फाइनल कटआउट बनेगी। तो साथियों, इसको आप मेरिट कह सकते हैं नहीं भी कह सकते, क्योंकि अगर जिनका इसमें आ गया है, यानी रोल नंबर में नाम आ गया है जितने भी हमारे साथी हैं, ये जरूरी नहीं है कि इनकी जॉब लग जाएगी, इनकी फाइनल मेरिट्स है, इसलिए नहीं लग पाएगी, क्योंकि अभी लग पाएगी या नहीं लग पाएगी इनके परफॉर्मेंस पर डिसाइड होता है, क्योंकि साथियों ये इनका शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए नोटिस है। तो जितने भी साथी हैं, जैसे यहाँ पर हैं एसटी के साथी हैं गबित वैभव, जो मैंक हैं साथियों, मनिक, क्या नाम लिखा है, मनिक है, इनका 59.5 साथियों है सीबीटी, अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ मार्क में सीबीटी में इनके 59.5 मार्क्स दिए हैं। ओबीसी में ज्योति यादव हैं साथियों, इनके लगभग 51.25 है, वहीं हर्ष कुमार ओबीसी 47.5, ओबीसी 45, आनंद कुमार यादव 44.5 एंड आदित्य देव साथियों जो ओबीसी है, आदित्य देव 43.75, ओबीसी पाटिल राकेश क्या लिखा है साथियों जो है ये इनका है लगभग 37.25 एंड जर्नल में अगर देखा जाए नीलम चौहान जो हैं, सत्य प्रकाश चौहान फादर ऑफ हैं एंड इनका 36 है। तो ये नंबर है, जितने ये साथियों स्कोर है, जैसे आपका 100 में से जितना स्कोर बना होगा इतने साथियों को क्या है शॉर्ट लिस्टेड किया गया। अब आप कह सकते हैं कि सर ये तो बहुत कम, मतलब बहुत कम कम नंबर पर मेरिट को शॉर्ट लिस्टेड कर दिए। भाई ये शॉर्ट लिस्टेड कर दिए हैं इसलिए क्योंकि अभी इसमें सभी का तो सिलेक्शन नहीं होगा, पोस्ट कितना है आप लोग देख लीजिए, 1 से 2 पोस्ट होगा हमें लगता है, ज्यादा मुझे कंफर्म नहीं है, तो ज्यादा पोस्ट नहीं होंगे। अब इसमें जिसका परफॉर्मेंस सही रहेगा, जिसके नंबर रहेगा, फाइनल मेरिट तब बनेगी। उसके बाद में नोटिस है कि द शेड्यूल ऑफ द स्किल टेस्ट विल बी मेंटेन इन द हॉल टिकट दैट कैंडिडेट कैन डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट यूजर लॉगिन करे, यानी साथ हॉल टिकट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा किसको, इन साथियों को, तब जाकर इनका क्या होगा जो है शॉर्ट हैंड टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट होगा। जनरल इंट्रेक्शन इनके लिए दिया गया है कि ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड विजिट साथियों यहां जो है www.indiaseat.com पर एंड डाउनलोड द हियर दियर हॉल टिकट फॉर द प्रिस्क्राइब्ड स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के लिए साथियों जितने भी स्टेनो वाले हमारे साथी हैं उनको क्या है हॉल टिकट डाउनलोड करके अपना जाना है टेस्ट देने। बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है यहां पर साथियों जो आप लोग देख लीजिएगा, और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं साथियों इन सभी चीजों को ना बताते हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा सारी चीजें हैं तो इनको कोई
अब आप सभी लोगों के लिए नहीं, ये केवल साथियों किसके लिए है, स्टेनो वाले साथियों के लिए। एंड सेकंड पॉइंट है कि द अफोरसेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट फॉर स्किल टेस्ट एंड शेड्यूल डेट टाइम एंड टाइम बेनू मेंटेड एट द डियर हार्ट टिकट एंड बाय डियर बायोमेट्रिक अटेंडेंस। यानी कहने का मतलब है जो भी हमारे साथियों का शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनका जब हॉल टिकट डाउनलोड करेंगे तो वहीं पर आपका इंटर साथियों जो है टाइपिंग टेस्ट यानी साइंड जो शॉर्ट हैंड का है डेट और साथियों उसी पर मिल जाएगी। इट इज नॉट दैट दे विल नॉट बी पेड एनी ट्रेवलिंग अलाउंस कन्वीनियंस फॉर जर्नी परफॉर्म फॉर द अफोरसेड पर्पज। पहले ही बता दिया कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ फॉलोइंग विद देम विदाउट व्हिच दे शैल नॉट बी अलॉट बी स्किल टेस्ट हॉल टिकट फॉर स्किल टेस्ट। यानी कहने का मतलब है जो भी साथी जाएंगे हो यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए उनको हॉल टिकट लेकर जाना है, वैलिड आईडी प्रूफ ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी लेकर जाना है, टू लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ले जाना है, पेंसिल एंड पेन लेकर जाना है। एंड फाइव नंबर पॉइंट है कि इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द अबव कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एज शेड्यूल डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ स्किल टेस्ट, नो एक्सटेंशन और सेकंड चांस विल बी प्रोविडेंट। यानी कहने का मतलब है कि आपको जो हॉल टिकट मिलेगा उसी पर आपका टाइम यानी टाइपिंग टेस्ट का जो है शॉर्ट हैंड का साथ वो डेट मिल जाएगी, उसी पर आपको जाना है, कोई कन्वीनियंस नहीं किया जाएगा आपके साथ, उसी डेट में आपका सारा चीज होगा। और मेरे प्यारे साथियों जितने भी हमारे साथी हैं जिनका अभी मेरिट लिस्ट नहीं आया तो आना शुरू हो गया है, हो सकता है इसी अप्रैल के फर्स्ट वीक चल रहा है इसी में आ जाए या साथियों सेकेंड वीक में सभी का एक एक पोस्ट के लिए सबके लिए आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों खासकर बहुत ज़्यादा परेशान है एग्रीकल्चर ट्रेनिंग वाले, मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाले, तो सभी को परेशान नहीं होना, सभी का आ जाएगा बहुत जल्द। तो आज की इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप सब लोग के लिए मैं लेकर हाजिर रहूंगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद।